तो बजट पर ही हमारी नजर बनी हुई है और उस लिहाज से आप देखिए कहां कहां होगी प्रायोरिटी। इसी के हिसाब से हमने आज जो स्टॉक चुना है वो है पराग मिल्क फूड। यहां पर 310 रुपए के टारगेट के साथ हम आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। पहले भी ये हमारा पसंद का स्टॉक रहा है, लेकिन इस समय हमें लगता है कि ये मौके को देखते हुए बहुत ही सही समय है जब आपको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। एक लंबे कंसोलिडेशन के दौर से ये बाहर आया है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको ये राय देंगे कि इसके चार्ट कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन पहले मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ। जो मैंने कहा बजट पे हमारी नजर है, एग्रीकल्चर, पशुपालन, ये जो तमाम सेगमेंट है फूड प्रोसेसिंग का, इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के मौके नजर आते हैं सरकार को। तो बजट से आप उम्मीद रखिए कि इनके लिए अच्छी खबरें आती हुई नजर आएगी। ये स्टॉक इस समय करीब करीब 35% नीचे है अपने 52 वीक हाई से, उस लिहाज से आपके लिए एंट्री का मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन क्यों पसंद आता है ये स्टॉक? खास बात यह है कि देखिए, एक ये कारोबार पुराना है, लेकिन इसको करने का तरीका इस कंपनी का नया है। जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है, जहां पर ज्यादा बेहतर मार्जिन मिलती है, उस कारोबार को बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। हर साल 4-5 नए प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करती है और उनको एक FMCG कंपनी की तरह मार्केट किया जाता है। तो आप ये समझिए कि जहां एक बैकग्राउंड में इसको बेनिफिट मिलेगा एग्री पॉलिसीज का, वहीं दूसरी तरफ FMCG कंपनी वाले वैल्यूएशन आगे जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, गोवर्धन घी इनका सबसे ज्यादा बिकने वाला गाय का घी है हमारे देश के अंदर। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो हिस्सा है वो 64% पर है, इसको 70% तक ले जाने की तैयारी कंपनी की ओर से हो रही है। हाल में जो लॉन्च हुए हैं गो प्रोटीन, जो कि आप जानते हैं प्रोटीन शेक्स इन दिनों तमाम लोगों के बीच पॉपुलर है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, लंबे दौड़ लगाते हैं, और ये एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही साथ प्राइड ऑफ काउज जो इन्होंने लॉन्च किया है पहले दिल्ली में और अब मुंबई में भी, ये एक प्रीमियम मिल्क के तौर पे, काउ मिल्क के तौर पे इन्होंने पोजीशनिंग की है और वहां पर काफी अच्छा रिस्पांस कंपनी को आता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टोरी यह है कि एक तरफ आपको बजट से फायदे पर नजर रखनी है, दूसरी तरफ जिस तरह से ये कंपनी खुद को हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए पोजीशन कर रही है और उस कारोबार को बढ़ा रही है, उससे आगे चलते हुए मैंने जो एनालिस्ट रिपोर्ट देखी उनमें यह कहा गया है कि करीब 300 बेसिस पॉइंट के आसपास इसका मार्जिन आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा अगले कुछ साल, 1.5 साल के अंदर। तो उस लिहाज से एक काफी अच्छा आउटलुक, अच्छे वैल्यूएशन, और चार्ट क्या कहते हैं ये तो राजेश जी बताएंगे। देखिए चार्टिकली प्रदीप जी, मैंने आपका सिर्फ टारगेट ये ओके 310, देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस बनता है वो रहेगा 285 के आसपास, यानी इस भाव पे भी अगर कोई लेता है तो मुझे लगता है एक्युमुलेशन विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। 255 के ऊपर आप इसको एक्युमुलेट करते जाइए, फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 285 का, जो कि वीकली चार्ट पे दिखता है। प्रदीप जी, 285 के परे अगर चला जाएगा देन इन दैट केस मैं 310 में 340 की भी बात करूंगा। 310 से 340 तक के भी लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल आशीष, आप भी नजर डाल रहे हैं क्या? मैं ये देख रहा था कि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता नहीं था, दो महीने की मशक्कत के बाद कल ही निकला है, तो अभी शुरुआत हुई है एक नए लेग की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छे लेवल पे इसको आइडेंटिफाई किया। मैं जो एक लंबे चार्ट में वीकली मंथली चार्ट पे एक तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है, जो कि एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ हुआ है, तो शॉर्टर टर्म आप बिल्कुल 278-280 तक के नजर आते हैं, जो मुझे एकदम शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है हो सकते हैं। और 250 पे ही एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, तो 250 के स्टॉप के साथ 282-285 के टारगेट्स इस स्टॉक में नजर आ सकता है। ओके, 282-285 के टारगेट की राय आप भी यहां पर दे रहे हैं। तो यह कॉल फिलहाल पराग मिल्क पे, एक बार जल्दी से बाजार